हुसैन जी, अपराजिता जी साफ कह रही है कि सरकार तैयार है। कल से आपके मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के? देखिए, ये बार बार ये जो सत्ताधारी पक्ष पक्ष की तरफ से ये बात आ रही है कि वो चर्चा करवाना चाह रहे हैं, वो चर्चा चाहते हैं। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि भाई चर्चा हर मुद्दे पे होना चाहिए। अभी वो कह रहे थे कि 18 दिन में जितने 18 सिटिंग्स होंगे, अब उसमें इन इन चीजों पे बात होगी। हम कह रहे हैं कि 18 दिन क्यों बैठे? आप बैठिए 25 दिन, हम बैठने के लिए रेडी हैं। हम 40 दिन बैठने के लिए रेडी हैं। जो आज जो प्रेसिंग इश्यूज है देश के अंदर, उसके ऊपर आप चर्चा नहीं चाहते? आप चर्चा इस पे नहीं चाहते कि देशवासियों ये नहीं जानना चाहिए कि हमारा रुपया क्यों गिरते जा रहा है? आप हमारा रुपी क्यों गिरते जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा नहीं चाहिए? बेरोजगारी के ऊपर चर्चा नहीं चाहिए? गरीबी के ऊपर चर्चा नहीं चाहिए? आप जो है हमारी सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उसको आदी करने का काम कर रहे हैं। हमारी देश के सुरक्षा का मामला है, ये तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं आप, इसके ऊपर चर्चा नहीं चाहिए? आप नहीं चाहते कि जो कश्मीर में जो पंडितों के साथ जो अब हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए? आप इतना कश्मीरी पंडित कह रहे थे, उसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए? DHFL बैंक में जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसके ऊपर चर्चा नहीं चाहते आप? आप जो चाइनीज इंकर्शन जो लगातार हो रहा है, हम पिछले 4 सेशन से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कीजिए। रिटर्न में दिए हैं, वेल विद इन द रूल्स ऑफ द हाउस। हम रूल कोट करके हम लोग देने, दर्जनों MP देंगे, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। आज तक उसके ऊपर चर्चा नहीं है। आज जो देश में जो माहौल हुआ है, देश के बाहर जो बदनामी हमारी हुई है, जो हेट स्पीचेस हो रहे हैं, जो डेमोलिशन इलीगल डेमोलिशन हो रहे हैं, जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो आपके मुख्यमंत्री खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही कंप्लेनेंट, खुद ही MC है, वो क्या डेमोलिशन ड्राइव के लोग सब खुद ही जो बनते जा रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए? मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ उन चीजों पे चर्चा हो जिस पे आप बिल लाई गई। और हमारे बसपा के साथी कह रहे थे कि जो हम कांग्रेस के लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। भैया, आप कहां थे जब फॉर्म लॉस लाए गए थे? तो आपके लोग कहां पे थे? कितने लोग खड़े होकर विरोध किए? कितने लोग आपके सस्पेंड हुए? आप बताइए। आप जो है जो PSUs लगातार PSUs की बिक्री होते जा रही, जिसमें जो जॉब्स जा रहे हैं, जो नौकरियां जा रहे हैं, 50% रिजर्वेशन जो होते हैं, जिस तबका की आप राजनीति करते हैं उनके पेट पे लात पड़ रहा है, आपने आवाज उठाई? 8.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए गए हैं PSU बैंक की तरफ से, आपने आवाज उठाई? बेरोजगारी के बारे में जिन गरीब तबका की आप बात करते हैं, बेरोजगारी है उनके लिए, आपने आवाज उठाई? इन मुद्दों पे आप बात करना नहीं चाहते, क्योंकि जो आपको डर है कि ED, CBI और इनकम टैक्स जिस तरीके से दूसरे पार्टी के लीडर्स को तंग कर रहे हैं, उसी तरह से आपके पार्टी के लीडर्स को भी तंग करेंगे। आज आप यहां पे बैठ के कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। समाप्त कीजिए प्लीज। उन लोगों के लिए जिनकी, जिस तबका की आप राजनीति करते हैं, उनके लिए तो कम से कम बात कीजिए आप। ठीक है, मैं तो इतना ही कह रहा हूं, कल से जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, हम जितने सरकार के थ्रू लाए गए जितने बिल्स हैं, उन तमाम बिल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ के साथ हमारी जिम्मेवारी है जन के मुद्दे, प्रेसिंग इश्यूज, इमरजेंट इश्यूज जो है उसको भी हम रेस करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। उनको अकोमोडेट करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है हुसैन जी। घनश्याम तिवारी जी, जायसवाल जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए और वही बात हुसैन जी, नासिर हुसैन जी भी यहां पर कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप विपक्ष जो है वही एक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हंगामा शुरू हो जाता है, एक दूसरे की अपनी बात रखने की जल्दबाजी, दूसरे की बात को काट कर अपनी बात प्रमुखता से रखने की होड़, क्या उसमें आप लोग बिछड़ जाते हैं और सरकार को फायदा मिल जाता है, या पहले से आप लोग नहीं मिलते? क्योंकि इस चर्चा में ही, घनश्याम जी, इस चर्चा में ही अगर आप 5 लोग हैं, 4 मान लीजिए, चलिए JDU को हम अपराजिता जी के साथ मान लेते हैं, यहां पर माधव आनंद जी को, तो आप 4 लोग ही एकमत नहीं है, क्या यही कारण होता है कि हमें शोर शराबा दिखाई देता है, सुनाई देता है? देखिए, जो सरकार ये कहते हुए आए कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, 40 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, 40 रुपए का डॉलर होगा, और आज प्रधानमंत्री अच्छे दिन की बात नहीं करते, तो ये तो देश को समझ में आ गया कि इस सरकार का मूल मकसद है आपको गुमराह करना, आपको मतलब आपके दर्शकों को गुमराह करना।
जहां तक विपक्ष है, इसमें किसने कहा कि बेरोजगारी इंपॉर्टेंट नहीं है? हम इस पूरे देश में अभियान चलाना चाहते हैं कि जिसको भी, जिस अग्निवीर को ये सरकार के इस अग्निपथ कार्यक्रम से रोजगार मिलेगा, उसका रोजगार 4 साल का नहीं होना चाहिए, उसका रोजगार टिल रिटायरमेंट होना चाहिए। ये सरकार जब इन अग्निवीरों को नौकरी से निकालेगी तो ये देश को कमजोर करेगी और देश के युवाओं को कमजोर करेगी। ये मुद्दा क्या संसद में उठाया जाएगा? ये जवाब न बीएसपी के जो कवरिंग फायर दे रहे हैं बीजेपी को, वो बता सकते हैं, न अपराजिता जी बता सकती हैं, न जेडीयू जो कि एनडीए का घटक दल है। अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा? क्या इस देश के हर युवा को, जिसके भविष्य को अंधकार में सरकार ने झोंका है, उसी की तरह होगा कि इस देश के युवा उस अभियान में साथ आएंगे? हम ये देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने महंगाई पर देश को धोखा दिया है और वित्त मंत्री कहते हैं कि गरीबों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, क्या वो मुद्दा संसद से गूंजता है कि नहीं गूंजता है? और हमें देखना चाहेंगे कि सरकार देश को कैसे गुमराह करती है कि फिर से ये जो हिंदू मुस्लिम बहसों का माहौल भारतीय जनता पार्टी और उसकी उसकी चाटुकार मीडिया ने बना रखा है, उस दौर से देश कैसे बाहर आएगा? उसके बारे में संसद में चर्चा होती है कि नहीं होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके साथ देने वाले मीडिया चैनल्स क्या भारत को इसी तरीके से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम के बहस नफरत में झोंकते रहेंगे और बदनाम करते रहेंगे? हम देखना चाहेंगे संसद से वो आवाज उठती है कि नहीं उठती है। ठीक है, माधव आनंद जी, आपको लगता है कि मुद्दे विपक्ष के पास ज्यादा हैं, समय कम है और शायद यही जल्दबाजी है जो एक सार्थक चर्चा नहीं होने देती? कारात्मक सोच के साथ सभी पॉलिटिकल लीडर्स जब संसद में आएंगे तो निश्चित रूप से सब सारी विषयों पर चर्चा हो सकती है। निश्चित रूप से जो सरकार विधेयक लाती है उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन जो बर्निंग इश्यूज होते हैं, मैं विपक्ष के लोगों के बात से सहमत हूं, जैसे अग्निवीर योजना है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर कुछ लोग देश भर में अगर आंदोलन कर रहे हैं जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने जो है सो अग्निपथ या अग्निवीर योजना लाई, अगर वही लोग सड़क पे अगर हंगामा कर रहे हैं, उनकी उनके जो अपीहेंशंस हैं उस अपीहेंशंस को सरकार दूर नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि सरकार की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो आपके विधेयक में नहीं है, जो आपके एजेंडा में नहीं है लेकिन विपक्ष के एजेंडा में है, जनता चाहती है कि उस पर बहस हो, तो सरकार को वहां जैसे बहस करवानी चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है कि ऐसे इश्यू, चाहे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज हो या विदेश नीति से रिलेटेड इश्यूज हो या महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इस सदन में, इस सत्र में सारे विषयों पे जैसे चर्चा करवाएंगे, ऐसा जनता दल यूनाइटेड विश्वास रखती है। चाहे कोई भी मुद्दा, देखिए तकरार तभी होता है जब आप विपक्ष की बात को नहीं सुनेंगे, जब विपक्ष की बात को सुनेंगे तो विपक्ष भी आपकी बात को सुनेगा, और मुझे लगता है यही लोकतंत्र की सुंदरता है। जब सब एक दूसरे की बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से सदन का एक एक समय जो बहुमूल्य होता है, एक एक समय का उपयोग किया जा सकता है।